हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेहूं के आटे का एकदम नया नाश्ता। इस नाश्ते को आज से पहले ना तो आपने कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 1 कप जितना गेहूं का आटा। तो इसे हमने अच्छे से छान लिया है। तो गेहूं के आटे को हम बोल में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे अब स्वाद अनुसार नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1/4 चम्मच जितनी। अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो इसे ज़रूर डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से हमारे जो नाश्ते का फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच के करीब पिघला हुआ देसी घी। अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर देखिए, हमने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से डाल दिया है। तो अब हम इन सभी चीज़ों को पहले अच्छे से ड्राईली मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मोवन डालने से हमारा जो नाश्ता होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनेगा और बहुत ही लंबे समय तक स्टे करेगा। तो देखिए, इस तरह से अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अब अपना आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए हम लेंगे पानी। तो धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और अपने आटे को हम बांधते जाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। तो आटा हमारा काफ़ी अच्छे से बन गया है और आधा कप से भी कम पानी का इस्तेमाल किया है हमने इस आटे को लगाने में। तो अब अपने आटे को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसे अपना नाश्ता बनाएं तो वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो देखिए, 1 से 2 मिनट आपको इसे मसल कर चिकना कर लेना है। और जैसे ही हमारा आटा अच्छे से गुन जाएगा, हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा रेडी हो चुका है। तो अब अपनी फटाफट से स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो अब हम एक पैन में डालेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर में भी इसे बना सकते हैं या फिर आप इसे घी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, तो ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर हम 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज डालकर हम इसे अच्छे से भूनेंगे। प्याज अगर आप नहीं खाते हैं तो प्याज की जगह पर आप कोई और दूसरी सब्जी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक बीन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और शिमला मिर्च डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। तो गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को आपको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है, ताकि इनका जो कच्चापन है वो निकल जाए। जैसे ही हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें थोड़े से स्पाइस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी चिली फ्लेक्स। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितना ही हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 से भी कम काली मिर्च का पाउडर। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से डाल के देखिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। और इन सभी मसालों को डालने के बाद अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे हाई फ्लेम पर। और इसे आपको तब तक भूनते रहना है जब तक कि प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। तो चलिए, इसे हम फटाफट से भून लेते हैं। तो देखिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जियां हैं वो काफ़ी अच्छे से कुक हो चुकी हैं और प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक की अपनी हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ली है 1 कप जितनी सेव। तो ये बेसन की सेव है, आपके पास जिस भी तरह की सेव हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस सेव को हम एक मिक्सिंग जार में डालकर इसका एक महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने सेव को अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं। इसे हमने बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो खाने में आए तो अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अब बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हमने जो अपना पाउडर तैयार किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो स्टफिंग है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हफ्तों तक ये स्टफिंग चलेगी। अगर आप यहाँ पर प्याज को स्किप करना चाहते हैं और शिमला मिर्च को भी स्किप करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट बेसन की भुजिया से भी इसे बना सकते हैं, वो और लंबे समय तक चलेगी।
तो देखिए इस तरह से आपको इसे इसमें डाल देना है और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। अगर आप तुरंत खा रहे हैं तो आप प्याज वाले ही बना सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, एक बड़ा चम्मच के करीब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए हमारे नाश्ते में। तो ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के तो चम्मच से अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे हाथों से भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे ताकि हमारा जो स्टफिंग है वो बिखरे नहीं। तो इस तरह से आप देखें ये बहुत ही ईजिली बन जाता है क्योंकि इसके अंदर हल्का सा ऑयल है। तो इस तरह से आपको सारे राउंड राउंड बॉल बना के इसके तैयार कर लेने हैं ताकि हमारी स्टफिंग को भरते वक्त बिल्कुल भी हाथ में मैस ना हो और हमारी जो नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो देखिए बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अपने आटे को हम ले लेंगे और थोड़े से आटे की हम बॉल बनाएंगे इस तरह से, और जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं, कचौड़ी भरते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसे एक बॉल को लेकर आटे के अंदर इस तरह से कटोरी बनाकर ऊपर जितना भी अमाउंट में आटा निकले उसे निकाल देना है और इसे इस तरह से राउंड कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब इस तरह से हम हाथों से इसे हल्का सा चपटा कर लेंगे और इसे हाथों से भी हम फैला देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से अपने सारे नाश्ते को हम बना लेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम पूड़ियों को हल्का सा फ्लैट करते रहेंगे और साथ में तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर रखना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा अपने तैयार किए हुए नाश्ते को हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपको इसे इस तरह से इसे छोड़ देना है। और जब ये अच्छे से कुक हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद हल्की होकर ऊपर आ जाएंगी और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड फटाफट से अपने सारी नाश्ते को हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हल्की सी ऊपर आने लगी है और काफ़ी अच्छे से फूलने लगी है। तो बस अब इस टाइम पर हम इन्हें पलट देंगे और पलट करके दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है, जब ये खुद ब खुद हल्की होकर ऊपर आती हैं तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अब इस स्टेज पर आप अपनी गैस की फ्लेम को हाई कर सकते हैं और जितना चाहे इसे क्रिस्पी और जितना चाहे इसे कलर में ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से कलर में आ चुका है। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है हमारे नाश्ते में। तो इसे अब हम फटाफट से पलट देंगे और दूसरी साइड भी इसे अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। तो बहुत ही कम चीज़ों में हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए हमने सारी कचौड़ियों को अच्छे से पलट दिया है और इसे अब हम पलट करके 1 से 2 मिनट और अच्छे से कुक करेंगे, फिर अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो अब इसे हम फटाफट से तेल से बाहर निकालेंगे। तो देखिए कितना फूला फूला और गर्मा गर्म हमारा ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप चाय, चटनी या फिर किसी भी सब्जी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बहुत ही लंबे समय तक आप इसे खा सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 दिन तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप इसे एयर टाइट जार में रखेंगे तो आप तकरीबन इसे हफ्तों तक इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बनकर रेडी हो चुका है हमारा नाश्ता। तो चलिए मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही ज़्यादा टेस्टी। तो देखिए इस तरह से आपको इसे मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा खस्ता बना है हमारा ये नाश्ता। तो ज़रूर से इस कचौड़ी को ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट भी बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।